ईरान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है, राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आप मुझे बताइए, ये दंगाइयों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो जेल में होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? उन पे सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन यहां छबड़ा दंगों का आरोपी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर रेड कारपेट पे चलता है, रेड कारपेट पे। किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। करोगे सफाई? पक्का करोगे? ये माताओं बहनों से सीखोगे कुछ? तब जाकर के दिवाली मनेगी। साथियों, महिला सुरक्षा और महिला कल्याण भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। अपनी बहनों को धुएं से मुक्ति मिले, इसके लिए आपके इस भाई ने मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। इस रक्षाबंधन पर भी हमने उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी थी। अब राजस्थान भाजपा ने गैस के सिलेंडर को और भी सस्ते देने का ऐलान किया है। और मैं भाजपा पूरे प्रदेश के नेताओं का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसा बढ़िया संकल्प पत्र दिया है, ऐसा बढ़िया मैनिफेस्टो दिया है। और यही तो डबल इंजन सरकार का डबल वायदा है। कांग्रेस गैस सिलेंडर लेकर को जो झूठ राजस्थान की बहनों बेटियों से बोल रही है, उससे आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। राजस्थान में भाजपा सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम किया था, लेकिन यहां की कांग्रेस सरकार ने टैक्स वापस बढ़ाकर लोगों की जेब काट ली है। और आज इसलिए आपके पड़ोस में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, पड़ोस में गुजरात सरकार भाजपा सरकार पेट्रोल सस्ता, लेकिन राजस्थान में प्रति लीटर एक एक लीटर पर करीब करीब 12 रुपये ज्यादा ये राजस्थान सरकार लूट रही है, महंगा दे रही है। हर गरीब की आंखों में कुछ सपने होते हैं, बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है, लेकिन कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने गरीब के इन सपनों को भी चकनाचूर कर दिया है। पेपर लीक माफिया ने एक एक पेपर लाखों में बेचा है। यहां के जो कर्मचारी है उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग से भी कांग्रेस के नेताओं ने तिजोरियां भरी हैं। इससे जो काली
कमाई बनाई ना, ये काला धन जो इकट्ठा किया है वो जयपुर में लॉकरों से बाहर निकल रहा है। आजकल कांग्रेस वाले एक दूसरे को मिलते हैं ना, तो वो कहते हैं यार छोड़ो चुनाव, ये देखो कहीं लॉकर का पता न चल जाए। अब उनको न राजस्थान की चिंता है न खुद के चुनाव की चिंता है, कैसे भी करके लॉकर बचाना है। और मोदी ने तय किया है एक एक लॉकर खुलेगा और लॉकर वाला लॉक में होगा, नोटों के ढेर और सोने की ईंटें। और आपको याद होना चाहिए ये सोना आलू से बना हुआ नहीं है।